You are most welcome to my channel. आज मैं आपको बताऊंगा 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो हम यहां पर 3 और 4 लिख लेंगे. 3 और 4 इसके बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो 1 2 3 4 5 6. अब फाइंड कैसे करेंगे, तो 6 फाइंड करना इसका मतलब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे. बैलेंस हो गया 7 बाय 7, तो 3 बचेगा. ऐसे यहां भी करेंगे 7 से मल्टीप्लाई ऊपर, 7 से मल्टीप्लाई नीचे. अब ये हो गया 3 7 21 अपॉन 7, ये हो गया 4 7 28 अपॉन 7. अब इसके बीच में 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7, 27 अपॉन 7. 1 2 3 4 5 6 6 रेशनल नंबर हो गया. समझ में आ गया?